जगत्याल रुकने असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार ने आज बीआरएस पार्टी जिले दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद टी जीवन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनके अल्फाज उनकी मकाम के लिए मौजू नहीं है और ये इल्ज़ाम लगाना तकलीफ दह है कि बीआरएस पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों को करोड़ों रुपये दिए हैं। మొన్న మాకు టికెట్లు అనౌన్స్ కాగానే 10 కోట్లు ఇచ్చి పంపడం అనేది దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నా. జీవన్ రెడ్డి గారి రాజకీయ పరిపక్వతకు తగదు. మరి మీరు పరిపక్వత పండు బాగా పండితే ఏమవుతుందో అందరూ తెలుసు. మరి అతి పరిపక్వత ఎత్తున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉన్నది. నాకు చూస్తూ ఉంటే మేము ఇట్లా మాట్లాడదు. దయచేసి ఇలాంటి అసత్యమైన మాటలు మాట్లాడద్దు. మొన్న పోయి నిన్న సింగపూర్లో మళ్ళీ మాస్టర్ ప్లాన్గా మాట్లాడింది. कोरोटला पुलिस ने जगत्याल जिले हेडक्वार्टर में गांजा फरोख्त करने वाले एक ग्रोह को गिरफ्तार किया। जगत्याल जिले मरकज में ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर में जिले एसपी भास्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोटला पुलिस ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 13 किलोग्राम गांजा, 2 मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जब्त की गई। कोरूट पटना बैलदे आ समय में मुगर व्यक्त कोरूटा की वाल आटो एक्म जी कोई मेडिकल को दूर में क्रम रोड मध्य रोड दागापर स्प्रे आटो ड्रैवे अत कल पड़ो अत भार्य आटो भार्य गव दीन तो वील भयपड़ పక్కనుంచి పారిపోవడం జరిగింది. వెంటనే కేసు నమోదు చేసుకొని మనము ఎవరు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారని ప్రాపర్ చెక్కింగ్ చేస్తున్నాము. దానిలో భాగంగా నిన్న సాయంత్రం మెట్పల్లి బస్ స్టాండ్లో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న 3 వ్యక్తులని ప్రశ్నించడం జరిగింది. మెట్పల్లి जड़चल्ला रुकने असेंबली डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने आज जड़चल्ला मजलिस बल्दिया के वार्ड नंबर 3 के इलाके में अचानक दौरा किया। उन्होंने रास्त आवाम से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया और इस इलाके में 100 फीट सीसी रोड के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने मजलिस बल्दिया कमिश्नर शेख महमूद को हिदायत दी। रियासती हुकूमत की जानिब से साबिक में 3016 रुपये वजीफा दिया जा रहा था, जिसको इजाफा करते हुए 4016 रुपये किया गया, जिसकी ऑर्डर कॉपी वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शिल्पारामम में महबूब नगर असम्बली हलके से ताल्लुक़ रखने वाले 3933 माजूरीन को ऑर्डर कॉपी हवाले किए। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।